आईपीएल के क्रिकेट इतिहास में वैसे तो कई मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां पर कई खिलाड़ियों ने अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया है, लेकिन वीवो आईपीएल साल 2019 का 13वां मुकाबला कुछ और ही था। जी हाँ, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने। ये मुकाबला था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर हमेशा ही फेवरेट मानी जाती है और यहाँ पर अक्सर रनों की बारिश होती है। आरसीबी की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने सीएसके को 206 रनों का लक्ष्य दिया। बड़ी बात यह रही कि इस मुकाबले में विराट और एबी दोनों ने ही ताबड़तोड़ पारियां खेली थी, जिसकी बदौलत आरसीबी ने 205 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने काफी सारे विकेट 75 रनों के अंदर गवा दिए। एक समय था जब 9 ओवरों में चेन्नई का स्कोर 70-4 था और इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए। धोनी उन दिनों लय में नजर नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी अपने ही स्टाइल में एक अलग अंदाज लेकर आए थे। आपको बता दें कि धोनी ने शुरुआती ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी की और उसके बाद जब एक बार सेट हो गए तो रायडू के साथ शानदार साझेदारी करते, और सिर्फ साझेदारी ही नहीं की बल्कि मुकाबले का रुख भी पलट दिया। एक समय आरसीबी के लिए जो मुकाबला जीता हुआ लग रहा था, वो मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी ने एक तरीके से अपने नाम कर लिया। धोनी ने महज 30 गेंदों में 70 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने उस मुकाबले में आखिरी गेंद पर आरसीबी को बुरी तरीके से रौंद दिया और आरसीबी अपने ही घर में जीता हुआ मैच गंवा बैठी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।